ये राजस्थान है, चांदी सी रेत पर रंग बिरंगी संस्कृति और विरासत का प्रदेश राजस्थान। बात चाहे रंग बिरंगी पोशाक की हो या फिर हृदय के भीतर नीचे तक उतर जाने वाली संगीत धुनों की, परंपरागत लोक धुनों पर थिरकते कदम बस देखते ही बनते हैं राजस्थान के शानदार अतीत के इस समृद्ध वर्तमान की सजग संरक्षक हैं। राज्य की 12 जनजातियाँ भील, भील मीणा, दामरिया, धानका, घरसिया, कथोबी, कोलीढोर, कोकना, मीणा, नायक, पटेलिया और सहरिया, इनमें से प्रत्येक की अपनी अलग पहचान है, लेकिन राज्य की कुल जनजातीय आबादी का 94% से अधिक होने के कारण भील और मीणाओं का संयुक्त आंकड़ा सर्वाधिक प्रभावशाली है। राजस्थान में कुल जनसंख्या का 12.44% निवास करता है और इस क्षेत्र में जो ट्राइबल सप्लान एरिया कहलाता है उसमें करीब 24.1 लाख जनसंख्या 1991 की जनसंख्या गणना के अनुसार है। राजस्थान के सुदूर दक्षिणी भाग में जिसे हम देख रहे हैं सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ ज़िले के प्रतापगढ़ में हमारे भीलों की जनसंख्या है और राजस्थान के अधिकतम जो भीलों की जनसंख्या इसी क्षेत्र में केंद्रित है। यह सही है कि इनकी बसावट बिखरी हुई है, लेकिन इनके आपसी संबंधों का कोई सानी नहीं है। भील, भील गरसिया, ढोल भील, डूंगरी गरसिया, मवासी भील, रावल भील, तदवी भील, भागलिया, भिलाल, पावरा और वासव जैसे उपसमूहों में बंटे होने के बावजूद इनमें गजब की सांस्कृतिक एकता है। दरअसल इन सभी का राजस्थान के दक्षिण पश्चिम तक पहुंची अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं और जंगलों से रूहानी रिश्ता है। और फिर क्यों न हो, वीर शूर महाराणा प्रताप और चित्तौड़गढ़ की गाथा से जुड़ा इनका अतीत इन्हें आज भी गौरवान्वित जो कर रहा है। भील जनजाति में आज भी नए राजा और उसके रक्त तिलक की वीरोचित परंपरा है। उंदरी गांव के मुखिया एकता बन जाते हैं। उंदरी गांव के मुखिया दो चार जनों को साथ लेकर जाते हैं, फिर मेवाड़ के महाराणा राजगद्दी पर बैठते हैं और मेरे गांव के किसी व्यक्ति का खून निकाल कर महाराणा की गद्दी पर तिलक लगाते हैं और दूसरा राजा तब महाराणा की गद्दी गिर गया, मिर गया, चल गया। तो अगर राजा के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो बाद में सब फिर से मिलकर राजा के बड़े बेटे को गद्दी पर बैठाते हैं और साथ ही पगड़ी भी सौंप देते हैं। धारिया, लाठी, गुप्ती, तलवार और तीर कमान कभी भील बालकों का खिलौना रहे हैं। बांस और मजबूत रस्सी से बने धनुष तथा नुकीले लोहे के अग्रभाग वाले तीर का प्रयोग अब ये कभी कभी ही करते हैं। पक्षियों और जंगली सुअर का शिकार इन्हें प्रिय है। श्याम वर्ण, लंबा मझोला कद, घुंघराले बाल, विशेष पतला उभार लिए माथा, गाढ़ी भौहें, रक्तिम आँखों और मजबूत गठन के चलते राजस्थान के भीलों को किसी ने द्रविड़ कहा तो किसी ने इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड माना। भले ही ऐसी पतली और संकरी नाक वाले लोग अन्य ऑस्ट्रेलॉयड जनजातियों में अब न मिलते हों, सादा जीवन जीते भील आदिवासियों की पोशाक भी एकदम सादी ही है। पुरुषों के सिर पर बंधी पगड़ी राजस्थान की भीषण गर्मी के दिन और ठंडी रातों में सिर तथा शरीर का बचाव तो करती ही है, साथ ही इनकी आन बान शान और परंपरा का प्रतीक भी है। कुर्ते और बनियान के मिले जुले रूप वाली बंडी में अब परिवर्तन आया है। कमर और घुटने के बीच में ये भील अभी भी फेलू ही पहनते हैं। भील महिलाओं के फेलू का रंग लाल या काला होता है। सीने को ढांकने के लिए पहले ये कम चौड़ा कचाव पहनती थी, लेकिन अब चोली और विभिन्न आकार के ब्लाउज चलन में हैं। जहां तक पैरों का संबंध है, जूती तो पूरे राजस्थान में पहनी जाती है। भील चाहे पुरुष हो या महिला, कान में छोटी छोटी बालियां तथा
हाथ में अंगूठी तो यहाँ सभी पहनते हैं। सोने की जगह चांदी के गहने इन्हें ज्यादा प्रिय हैं। मौका चाहे खुशी का हो अथवा दुख का, सामुदायिक साथ सहयोग में इनकी गहरी आस्था है। जन्म, नामकरण, विवाह तथा मृत्यु आदि संस्कारों को भी भील परिवार सामुदायिक उपस्थिति में ही संपन्न करते हैं। पुत्र जन्म पर ढोल अथवा थाली बजाकर सूचना दी जाती है। पुत्री का जन्म होने पर सूप बजाने की परंपरा है। धार्मिक आयोजनों में भोपा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन भोपा का पद पीढ़ीगत नहीं होता। होमा डोंगरी को 5 गांव के भोपा ने मिलकर चुना है। 5 गांव का भोपा, 5 मंदिर, 5 गांवों के भोपा इकट्ठे होते हैं। वो अपने अपने ईष्ट को वहां स्थापित करते हैं और धूप दीप से विधिवत पूजा अर्चन करते हैं। तदुपरांत उनमें भाव आते हैं और भाव आने के बाद सभी कार्य सकुशल संपन्न हो जाते हैं। कुल अथवा ग्राम देवता का आह्वान कर अपनी समस्याओं का समाधान जानने तथा मनौती में इनका विश्वास है। भोपा को पूजनीय मानते हुए मृत्युपरांत भोपा की मूर्ति बना उसे स्थापित किया जाता है। इसी तरह भील प्रकृति के भिन्न अंगों की भिन्न देव रूप में आराधना करते हैं। गजानन जी, कालका माता, भेरू जी, दागलिया बाबजी, पोलिया बाबजी, भूमिया बाबजी, ये सभी देवी देवता हैं। ये देवी देवता हैं। भीलों की दृष्टि में राजा पांठा तथा वीणा देवी सर्वशक्तिमान हैं। प्राकृतिक आपदा, दुख और महामारी के निदान के लिए भील बलि देते हैं अथवा मनौती मानते हैं। पहले गजानन जी को धूप दी जाती है, फिर कालका माता को, उसके बाद भेरू जी बाबजी को, उसके बाद दागड़िया बाबजी को, उसके बाद पोलिया बाबजी को, उसके बाद भूमिया बाबजी को और अंत में धूनी को धूप दी जाती है। भोपा का भाव आने पर ही यहाँ गवरी नृत्य की अनुमति है, अतः गवरी एक पवित्र नृत्य की भांति है। तप, व्रत और संयम का भी इनके जीवन में खास महत्व है। रक्षाबंधन के अगले दिन से लेकर श्राद्ध की नवमी तक भील पूर्ण संयम से रहते हैं। गौरी का मंगल हाथी बनाने का काम कुम्हार का है। कुम्हारिन
इसकी पूजा करती है। इन 40 दिवसों में ये हरी सब्जियां नहीं खाते। अंतिम दिन मंगल हाथी का विसर्जन कर भील समुदाय गौरी आराधना नृत्य में लीन हो जाता है। पैसा हो या ना हो, न तो दिवाली के अवसर पर इनका उल्लास ही कम होता है और न ही तीज के मौके पर झूले की पीन। राखी के दिन सुंदर नए कपड़े पहनकर सारे गहनों से संवर कर अपने हाथों में मेहंदी लगाकर बहन भाई को राखी बांधती है। भाई के साथ साथ भाभी और छोटे बच्चों को भी राखी बांधी जाती है। पूजा की थाली में गोला, कुमकुम, रोली, मिठाई और राखी सजाई जाती है। होली का त्योहार भीलों का प्रमुख उत्सव होता है। वधु चुनाव का भी यही अवसर होता है और इस मौके पर भील औरतों के मन में होती है नई उमंग, नया उत्साह और नई उम्मीदें एक नई जिंदगी के लिए। हालांकि पारंपरिक वाद्य यंत्र अब संग्रहालय का हिस्सा बनते जा रहे हैं, बावजूद इसके भील कलाकारों का गायन अनूठा है और वादन दिलचस्प। कहना न होगा कि परंपराएं और विरासत इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। व्यक्तियों की, इन लोगों की सांस्कृतिक विरासत की बढ़ोतरी के लिए विभिन्न प्रकार के ट्राइबल फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं। उनमें उनको भाग लिया जाता है, उनकी कला का प्रदर्शन किया जाता है, उनके पुराने डांसेस, उनके कल्चर को प्रदर्शित करने के लिए अभी भोपाल में भी यहाँ के जनजाति के लोगों ने भाग लिया था, जो राष्ट्रीय महोत्सव था वहाँ भी उनकी अच्छी पहचान रही। और जनजाति के लोगों की जो सांस्कृतिक विरासत है उनको सुरक्षित रखने के लिए हमने म्यूज़ियम भी स्थापित किए हैं। उदयपुर में शिल्पग्राम में हमारे यहाँ जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के द्वारा TRI में भी एक म्यूज़ियम की स्थापना की हुई है और माउंट आबू पर भी उनकी बनाए गए वस्तुओं की प्रदर्शनी वहाँ रखी गई है। भील समाज में अभी भी काफ़ी हद तक पारंपरिक ज्ञान को ही तरजीह दी जाती है। तभी पंचायती राज प्रणाली के तहत चुने गए प्रधान की उपस्थिति के बावजूद भोपा, बड़वा, पुजारो, कोतवाल तथा वासव यानी मुखिया को प्रथम सम्मान दिया जाता है। मुखिया की अनुपस्थिति में ही चुना गया प्रधान प्रमुख होता है। हर बात की खेती के बारे में लड़ जाते हैं तो हम वापिस मिल के उसको समझाते हैं, खेती हमारी खेती है, दूसरों कमाई करे तो हमारा खेती में बाउंड्री में नहीं घुसवे देंगे, उसको समझा देंगे, आगे पुलिस माने जावे दी, यहीं बैठ के समझाते हैं साहब। और पसे नहीं समझे और ज़्यादा दोमाल हो जाते हैं तो पसे सरपंच साहब को बुलाते हैं, जो सरपंच साहब को बैठा के सरपंच साहब को रिपोर्ट देते हैं तो वो भी ये इधर समझा सकते हैं, और नहीं मानवारे अल्लाह से वो आधा ज़्यादा जोर करते हैं तो पसे पुलिस केस कराते हैं साहब। विकास के ताज़ा झोंकों ने कई भ्रम तोड़े हैं, इनके चेहरों पर
नया विश्वास जन्म लेने लगा है। बहुत समय नहीं बीता जब राजस्थान के इस प्रमुख जनजातीय भील समाज की नन्ही बच्चियां साक्षरता का मायने तक न जानती थी, लेकिन इनमें से अब कई अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर स्वयं शिक्षा दान कर रही हैं। 1985 से सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, इससे पहले मैं प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ा चुकी हूँ। मंगली बाई खुश है कि उसके दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल तो गए, तो जाते हैं, दोनों जाते हैं, एक नवी में है और एक पांचवी में। दरअसल शिक्षा, रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास और पीने का स्वच्छ पानी किसी भी घर परिवार की मूल जरूरतें होती हैं। लगातार सरकारी प्रयासों से भील समाज में साक्षरता का रुझान बढ़ा है, वहीं अब यहाँ शैक्षिक संस्थानों की कोई कमी नहीं है। पानी इस इलाके की पहली सबसे बड़ी जरूरत रही है। बारहमासी नदियां यहाँ हैं नहीं, जमीन का पानी काफी गहरे है, अतः वर्षा का जल ही इनके लिए एकमात्र विश्वसनीय जल स्रोत है। अकाल के दिनों में यह स्रोत भी सूख जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से चल रही जल संरक्षण, संवर्धन और संग्रहण परियोजनाओं ने महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाया है। नाला बडिंग, मेड़बंदियों और छोटे छोटे बंधों की सहायता से अरावली की पहाड़ियों पर बरसे जल को जोहड़ों में रोका गया है। जोहड़ों ने न सिर्फ कुओं का जलस्तर ऊपर उठाया है, बल्कि साल के ज्यादातर महीनों में मवेशियों को भी पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहती। जरूरत के मुताबिक कुओं को और गहरा किया गया है। पीने का पानी लाने अब इन्हें दूर नहीं जाना पड़ता। नए लगे हैंडपंपों का पानी न सिर्फ अपेक्षाकृत स्वच्छ है, बल्कि इससे 24 घंटे पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। परिणाम स्वरूप भील लोग अब अपने खेतों में मोटे अनाज की जगह नकदी फसलें लेने लगे हैं। मशरूम जैसे विशुद्ध व्यावसायिक उत्पाद का भील कृषि में प्रवेश इसका प्रमाण है। हालांकि इसके लिए इन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है। कृषि के लिए जल का सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ कि देरा यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अस्थिर जिंदगी को अपना सही मुकाम मिल गया है। ट्रैक्टर, उन्नत बीज और उर्वरकों के कारण उत्पादन का आंकड़ा भी बढ़ा है, लेकिन लगातार बढ़ती आबादी और प्रति व्यक्ति घटती कृषि भूमि की वजह से दिक्कतें कई हैं। दिक्कतों से उबरने के लिए जरूरी था कि रोजगार के नए क्षेत्रों से इनका साक्षात्कार हो। बाहरी दुनिया से संचार कायम किए बगैर यह संभव न था, अतः सबसे पहले यहाँ सड़क और परिवहन का तंत्र खड़ा किया गया। स्थानीय साहूकारों के कर्ज से मुक्ति दिलाने और उचित दर पर अनाज मुहैया कराने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकानें खोली गईं। डाकघर खुलने से चिट्ठी का आवागमन शुरू हुआ। जरूरी तंत्र के खड़ा होने के दौर में भील लोगों को मेहनत मजदूरी के रूप में पर्याप्त काम मिला। बाहरी दुनिया के संपर्क में आते ही यहाँ जागृति की उजास फैलने लगी। सरकारी योजनाओं को लेकर इनकी जिज्ञासा बढ़ गई। अन्य महिला और पुरुष भीलों को स्वरोजगार मुहैया कराने की दृष्टि से प्रशासन ने प्रशिक्षण, ऋण तथा छूट आधारित विशेष योजनाओं पर काम शुरू। जनजाति लोगों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उसमें मुख्य रूप से अभी योजना एक चल रही है SGSY की। तो जनजाति के लोग जो उनकी पारंपरिक पहले आय के साधन थे कृषि, आखेट, इनसे अब विमुख होकर नए प्रकार के उद्योग लगा रहे, जैसे मशरूम उद्योग की खेती की जा रही है, बकरी पालन यूनिट है वो ले रहे लोग, बफेलो यूनिट है। इसके अलावा शिक्षा ग्रहण करने के बाद है वह लोगों में बहुत परिवर्तन आया है और लोग अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियों में है वह प्रवेश कर रहे हैं। जो पूर्व में जनजाति के लोग इस क्षेत्र से बिल्कुल अछूते थे, अथवा यूँ कह सकते हैं कि जानते ही नहीं थे कि इस प्रकार की उच्च प्रकार की नौकरियां उनको प्राप्त हो सकती हैं, और विभिन्न प्रकार के सरकार के जो उनको सहयोग प्राप्त हो रहा है बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाकर नए नए यूनिट्स लगा के, इससे है जनजाति के लोगों में एक संतोषजनक परिवर्तन आया है। पहले भीलों के पारंपरिक ज्ञान
और प्राकृतिक संपदा को ही रोजगार का माध्यम बनाया गया। मछली मारना ये जानते थे, जोहड़ों में पानी टिकने लगा था, अतः मछली पालन कार्यक्रम को तरजीह दी गई। कार्य के प्रति निष्ठा और एकाग्रता भीलों का गुण है। उचित प्रशिक्षण मिलने पर यह शीघ्र ही रेशम उत्पादन में पारंगत हो गए। रेशमी धागे का उत्पादन भी अब यहाँ आय का साधन बन गया है। किसी भी समाज अथवा समुदाय में महिलाओं की स्थिति ही उस समाज का सही आकलन होता है। भील महिलाएं बच्चों के पालन पोषण से लेकर घर की सारी जिम्मेदारी तो संभालती ही हैं, घर के बाहर भी पुरुषों के साथ बाकी कामों में पूरा हाथ बटाती हैं। जुताई छोड़कर खेती के लगभग सभी काम इन्हें अकेले ही करने होते हैं। मवेशी चराना, दूध निकालना और मुर्गी को दाना चुगाना भी इन्हीं के जिम्मे होता है। इतना ही नहीं, दूर जंगल से लकड़ी, पत्ते और दूसरी वन्य उपज को एकत्रित कर उन्हें बाजार ले जाना, बेचना और दिन छिपे घर लौटना, पानी लाना, चूल्हा फूंकना, बच्चों को संभालना और अगले दिन की चिंता में डूबते उतराते सो जाना ही भील औरतों की दिनचर्या है, नियति है। इनका जीवन स्तर सुधारने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को आवश्यक माना गया। सुविधा संपन्न राजकीय अस्पताल भी अब यहाँ हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के बाद भील महिलाओं के बीच आय संवर्धन की गतिविधियों को प्राथमिकता के तौर पर लिया गया। फिर क्या था, फिर तो व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में सभी की रुचि बढ़ गई। सिलाई केंद्रों को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली। इस भीलनी ने कभी नहीं सोचा था कि यह कभी इतनी कुशलता से कपड़ा काटने लगेगी। इन तमाम गतिविधियों के जरिए प्रशिक्षित भीलनियाँ अब अपनी निजी ज़रूरत के लिए पैसा कमा लेती हैं। असफलता अब इन्हें निराश नहीं करती, अब ये अपने जीवन को विजयी भाव से जीना चाहते हैं। यह एक नया समाज है। भीलों के लिए अब हर अच्छा कार्य खुशी के आयोजन की तरह होता है। अब मौका चाहे घेर नृत्य का हो या विवाह का, कमजोर आर्थिकी अब इनके आड़े नहीं आती। दरअसल विकास का जज्बा अब इनमें जाग उठा है। अब राजस्थान का भील समाज नई मंजिलें तय करने में व्यस्त है। ये मंजिलें हैं शिक्षा, रोजगार और सर्वांगीण विकास की। अब तो काफिला चल पड़ा, अब यह रुकने वाला कहाँ। अब तो इनकी आंखों में बस एक ही सपना है, उज्ज्वल वर्तमान और सुनहरी कल का।